वेलकम स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस करे भी थे। इसी एक्सरसाइज में जो सेवंथ क्वेश्चन है वो ये है, x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t और y है cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t। तो इस पैरामेट्रिक इक्वेशंस के सेट का हमें डिफरेंशिएशन करके dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम बारी बारी से dx बाय dt और dy बाय dt दोनों फाइंड करेंगे। पहले हम x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में फाइंड करके dx बाय dt फाइंड करेंगे। तो हम dx बाय dt फाइंड करने के लिए रूट कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट कॉस 2t एज इट इज लिखेंगे। अब साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये होगा 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का करेंगे, ये होगा कॉस टी। अब टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे जो 1 होगा, जो हमने नहीं लिखा, माइनस। अब माइनस साइन लगाएंगे। अब साइन क्यूब टी को हम एज इट इज लिख देंगे और रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करें तो रूट 2t का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट कॉस 2t। आपको याद होगा रूट fx का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट fx इनटू f'x होता है। अब कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे जो माइनस साइन 2t होगा। अब इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है 2t का और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। तो यहां पर साइन क्यूब टी और साइन 2t दो ही टर्म बचेंगी। अब जो न्यूमरेटर है उसका हम एलसीएम दे देंगे, तो वो एलसीएम आएगा रूट कॉस 2t। नीचे लिखेंगे रूट कॉस 2t एलसीएम है, कॉस 2t से भी मल्टीप्लाई। जब रूट कॉस 2t को रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद cos 2t की पावर 1 हो जाएगी। तो cos 2t मल्टीप्लाई होगा 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t से। ये दोनों माइनस प्रोडक्ट होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो चुके हैं और यहां बचेगा sin 2t इनटू sin क्यूब टी। तो ये हमारा dx by dt मिल चुका है। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। रूट cos 2t हम स्क्वायर करेंगे, cos 2t लिखेंगे, फिर रूट cos 2t। अब cos क्यूब टी का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी cos टी का जो कि माइनस साइन टी होगा। आखिर में टी का डिफरेंशिएशन जो 1 होगा वो हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में मैं लगाऊंगा माइनस साइन cos क्यूब टी एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन रूट कॉस 2t का, तो ये होगा 1/2 रूट कॉस 2t। अब कॉस 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t, फिर करेंगे 2t का डिफरेंशिएशन जो कि 2 है। 2 और 2 फिर कैंसिल होंगे, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर हमारे पास कॉस 2t इनटू साइन 2t यही टर्म बचेगी। इसके बाद हम फिर एलसीएम ले लेंगे रूट कॉस 2t को। तो रूट कॉस 2t जब हम एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस टी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा कॉस 2t। मल्टीप्लाई करेंगे जब इनको 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी से, तो एज इट इज ही रह जाएगा, यानी जो पहला एक्सप्रेशन होगा एलसीएम लेने के बाद में कॉस 2t इनटू 3 कॉस स्क्वायर टी इनटू साइन टी विद नेगेटिव साइन। दूसरी टर्म बचेगी 2, हम कैंसिल कर चुके थे cos क्यूब टी और sin 2t, तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट cos 2t इनटू cos t। अब dy by dx के लिए dy by dt को dx by dt से डिवाइड करें। dy by dt हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा, तो ये है माइनस 3 cos स्क्वायर टी cos 2t और sin t प्लस cos क्यूब टी इनटू sin 2t। जबकि dx by dt की अगर हम बात करेंगे तो वो
हम लिख चुके थे इक्वेशन नंबर वन में, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन टू टी, क्योंकि दोनों dx बाई dt और du बाई dt के डिनोमिनेटर सेम है वो हम क्या चाहिए। अब हमारे पास dy बाई dx बचता है माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी, और डिवाइड कर रहे हैं इसको 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, हालांकि dy बाई dx हम फाइंड कर चुके हैं, हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस टू टी को यहां पर हम 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं, बाकी हम न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे। तो न्यूमरेटर होगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी कॉस साइन टी और कॉस 2 टी की जगह 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 लिखा, और कॉस दूसरी जो टर्म है यहां पर साइन 2 टी को हम 2 साइन टी कॉस टी लिख देते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो कॉस 2 टी है उसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख देता हूं और बाकी टर्म हम चेंज नहीं करते। ऐसे ही जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म में भी साइन टू टी की जगह 2 साइन टी और कॉस टी को लिख देते हैं। इससे हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है उसमें सभी एंगल टी में लिख दिए गए हैं, अब कोई भी एंगल टू टी का नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6 कॉस 4 टी इंटू साइन टी प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 2 साइन टी, और यहां कॉस की पावर हो जाएगी 3 प्लस 1 यानी 4। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 साइन की पावर बन जाएंगी 4, तो यहां से इंटू कॉस टी प्लस, अब यहां जो टर्म बचेगी 2 कॉस टी और साइन की पावर बन जाएगी 4 टी। न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म फर्स्ट और थर्ड लाइक टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 4 टी साइन टी और कॉस 4 टी, दूसरी टर्म 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में भी दो टर्म लाइक टर्म है, पहली और दूसरी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 4 साइन 4 टी कॉस टी प्लस पहली टर्म हमारी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी एज इट इज हम रख देंगे। साइन टी कॉस टी ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा माइनस 4 कॉस क्यूब टी प्लस साइन टी कॉमन ले चुके हैं, कॉस टी कॉमन ले चुके हैं तो एक कॉस टी की टर्म ऊपर बच जाएगी। डिनोमिनेटर में फिर हम माइनस साइन टी और कॉस टी को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 4 साइन क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। ये जो न्यूमरेटर आप देख रहे हैं माइनस 4 कॉस क्यूब टी और 3 कॉस टी वाली टर्म बची हुई है, कॉस 3 टी का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी होता है, यानी ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ये माइनस कॉस 3 टी है। ऐसे ही 4 साइन क्यूब टी माइनस 3 साइन टी, ये जो टर्म है ये साइन 3 टी की टर्म लेकिन माइनस साइन के साथ में, तो जब हम सॉल्व करेंगे साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस कॉस 3 टी और ये है माइनस साइन 3 टी, माइनस यहां पहले से ही है तो नीचे मिलेगा हमें साइन 3 टी। डिवाइड करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा माइनस कॉट 3 टी। तो कई बार इस क्वेश्चन को प्रूव भी करवा लेते हैं, अगर हमें प्रूव करना पड़े तो फिर हमें यहां तक इसको पूरा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ डेरिवेटिव की बात है तो डेरिवेटिव तो हम यहां भी फाइंड कर चुके थे, dy / dx तो हमने यहां भी फाइंड कर लिया था, उसके बाद जो हमारा काम था वो सारा सिंपलीफिकेशन का था। अब उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये एक्स है, वाई जो है ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा,
और हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए बारी बारी से दोनों x और y को थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें मिलेगा dx by d थीटा। ये हम लेंगे बाहर ही, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। अब थीटा इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है जो कि प्रोडक्ट रूल से करा जाएगा। थीटा हम एज इट इज ले लेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा हम एज इट इज रखेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे वन। तो ये dx by d थीटा पूरा हो चुका है, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा दोनों का सम जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास dx by d थीटा सिर्फ एक ही टर्म बचेगी और वो होगी a थीटा cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। उसके बाद हम dy by d थीटा भी इसी तरह से फाइंड कर लेते हैं, a बाहर रखेंगे, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होगा, माइनस हम कॉमन लेकर थीटा इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन कर थीटा एज इट इज रखेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होगा, प्लस cos थीटा हम एज इट इज रखेंगे और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जो 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहां मिलेगा cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहां भी सिंपलीफिकेशन के बाद सिर्फ एक टर्म बचेगी और वो होगी a थीटा sin थीटा, ये dy / d थीटा की वैल्यू। हम dx / d थीटा और dy / d थीटा दोनों फाइंड कर चुके हैं, तो अब मैं dy / dx भी फाइंड कर लूंगा। तो dy / dx होगा dy by d theta divided by dx by d theta, यानी कि a theta sin theta into a theta cos theta। सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो यही इसका सॉल्यूशन था। अब आखिरी क्वेश्चन है 11 इस एक्सरसाइज से, और ये क्वेश्चन है रूट एक्स है रूट ए साइन इनवर्स टी और ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का रूट है और उसका अपर रूट वाई, इसी तरह से ए कॉस इनवर्स टी और इस एक्सप्रेशन का पूरे का रूट। हमें dy / dx प्रूव भी करना है, माइनस y / x होगा। तो हमने पहले कहा है कि जब भी हमें रूट वाले किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले dx / dt कर रहे हैं, वो होगा 1/2 रूट ऑफ fx। तो यानी कि इस फंक्शन को एज इट इज करें, लिख दें। अब उसके बाद दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, यानी a sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन। अब आगे डिफरेंशिएशन करने के लिए 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए होगा, तो ए साइन इनवर्स टी का होगा ए साइन इनवर्स टी इनटू लॉग। लेकिन साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन और करना है, वो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होगा, फिर t का भी करना है लेकिन वो 1 होता है। तो ये हमारा dx by dt हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। इसी तरह से dy by dt की बारी, तो ये भी इसी प्रकार से होगा 1/2 रूट a cos इनवर्स t। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे a cos इनवर्स t का, तो हमें मिलेगा 1/2 रूट a cos इनवर्स t। अब a cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा a cos इनवर्स t log a, और अब cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन और करना है, वो होगा √1/1 माइनस t स्क्वायर विद माइनस साइन। ये dy / dt। अब dy / dx के लिए dy / dt को dx / dt से डिवाइड करें, यानी पहले हम लिखते हैं
डी बाई डी डी की वैल्यू माइनस साइन हमारे पास चल रहा है माइनस वन अपॉन टू रूट में ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन वन रूट वन माइनस टी स्क्वायर। अब मैं डिवाइड करूंगा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू से, तो डिवाइड कर रहा हूं वन बाई टू रूट एक साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी लॉग ए और रूट वन माइनस टी। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको आगे तो हम देखो किस तरह से लिखेंगे इनको। सॉल्व करने के बाद में ये टर्म हम ऊपर लिखते डी वाई बाई डी एक्स होगा कि टू और टू कैंसिल कर सकते हैं आप यहां कर लेंगे लॉग ए भी कैंसिल कर लेंगे रूट वन माइनस टी स्क्वायर भी कैंसिल कर लेंगे। अब जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं ऊपर ए कॉस इनवर्स टी है नीचे रूट ए कॉस इनवर्स टी है यानी आप समझ सकते हैं ऊपर x है नीचे रूट x है तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में रूट x आ जाए तो माइनस रूट ऑफ a cos इनवर्स t बचेगा। इसी तरह से यहां पर भी दो टर्म ऊपर वही टर्म है लेकिन पूरी पावर है नीचे हाफ पावर है सॉल्व करेंगे तो रूट में a sin इनवर्स t बच जाए और ये देख सकते हैं ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे कि dy by dx जो है वो माइनस y अपॉन x है। तो ये बच्चों हमारे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस पूरे होते हैं। अब हमारे पास केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही बचे हैं जिनका शुरुआत हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप डिफरेंशिएशन के जितने भी टाइप्स हैं जितने टाइप्स हमें पढ़ने थे वो सारे पढ़ चुके हैं। अब केवल हमें डिफरेंशिएशन को दो बार करना है तो डिफरेंशिएशन के टाइप्स आप सारे रिवाइज कर लेंगे। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।